ये ट्राई करना है, NiCl4 2-, Ni और VBD से निकालना है, NiCN4 2-, NiCO4, PtCl4 2-, CuNH3O4 2+। ये 5 इंपॉर्टेंट वाले करने, इसको जल्दी से करना खत्म। हाँ, आर्यन कितने हो गए हैं? बॉबी अच्छा, सर बस लास्ट वाला रह गया। लास्ट है, करो जल्दी।
हाँ कर लिया सबने। यस सर। चलो एक बार देखेंगे। देखो NiCl फोर टू नेगेटिव, निकल की स्टेट यहाँ प्लस टू आएगी, एक्स माइनस फोर जीरो टू माइनस टू, लिगेंड वीक है तो एक्स प्लस टू आ जाएगा, निकल प्लस टू में, आर्गन 3d8 सही ना, आर्गन 3d8 आएगा, निकल प्लस टू, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले चेक करते हैं, फोर है इसका आंसर sp3 या dsp2 होगा, ये आ गया 3d 4s 4p, इससे ही काम चल जाएगा, 3d 4s 4p, 3d के अंदर आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 3d8 है इसमें तो बैक पेयरिंग करेंगे हम, इसमें बैक पेयरिंग होगी ध्यान रखना चीज का, निकल 2+, इसमें बैक पेयरिंग होगी तो ये आएगा, ओ सॉरी इसमें तो वीक फ्री लिगेंड है ना, तो ये तो NiCN होता था बैक पेयरिंग होती NiCN वाले में, ये दोनों क्वेश्चन तुम अगर चेक करोगे ना IIT में या नीट में, कम से कम मेरी तो पिछले 30 साल के अंदर कम से कम इसका 7-8 बार क्वेश्चन आया होगा इन दोनों से रिलेटेड, NiCl फोर टू नेगेटिव और NiCN फोर टू नेगेटिव, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अब बैक पेयरिंग तो होनी नहीं है क्योंकि लिगेंड वीक है, तो इसलिए एक एस में इलेक्ट्रॉन देगा सीएल, दूसरे एस में, दूसरे पी में, तीसरे पी में, चौथे पी में, यहाँ इलेक्ट्रॉन ये देगा और आंसर आ जाएगा sp3, sp3 आ जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप आ जाएगी इससे। NiCl4 2 नेगेटिव, और मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया अंडर रूट में 2 × 2 + 2 √8 bm, √8 bm मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ये, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसका अगर सीएफटी बनाना है ध्यान रखना, इसका सीएफटी भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं डायरेक्ट एवरेज एनर्जी लेवल लूंगा, ये एवरेज एनर्जी लेवल ले लिया इसका, सीएफटी इसका बनाना है तो इसमें ऑक्टाहेड्रल के जस्ट ऑपोजिट होगा, ये ध्यान रखना तुम्हें, तो कैसे होगा क्यों होगा वो सब मैं बताऊंगा आगे सीएफटी के अंदर। अब इसमें ऊपर आ जाएंगे 3 नीचे 2 नीचे 2, नीचे लेवल होगा ई, ऊपर T2, उल्टा हो जाएगा जस्ट उसके, उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये जो डिफरेंस है ये होगा 0.4 ΔT, और नीचे जो डिफरेंस है वो होगा -0.6 ΔT, उल्टा होगा जस्ट, और ये पूरा ΔT है, ये पूरा ΔT है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वीक फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 5, ΔT की वैल्यू लेस है पेयरिंग एनर्जी से इसलिए ऐसा होगा, 6 7 और 8, इसमें इन दोनों में कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी, इन दोनों में कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए अब आंसर आ जाएगा ये 4s आया 4p, 4s 4p, तो sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी इससे, sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी, और इसका d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन होगा e4, d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन e4, e4 और t2 4, e4 t2 4 इसका d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन होगा e4 t2 4, और cfse वैल्यू होगी इसकी, CFSE वैल्यू ये होगी, नीचे 4 इलेक्ट्रॉन, इधर नीचे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 × −0.6, −2.4, ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 × 0.4 यानी 1.6, तो −2.4 + 1.6 ये आएगा −0.8 ΔT, कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं लगेगी, −0.8 ΔT ये आंसर आ जाएगा, CFSE वैल्यू −0.8 ΔT। दो चीजें पता लगी है इससे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, एक तो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन या इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन या इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, और दूसरा सीएफएसई वैल्यू कितनी आएगी, सीएफएसई वैल्यू कितनी आएगी, ये एक मैंने तुम्हें दोबारा बता दी डिटेल, NiCl4 2- की, NiCl4 2- की। अब NiCN4 होता, मैं इसको इधर ही बता रहा हूँ, NiCN4 होता तो इसमें तुम बस क्या करते, इधर बैक पेयरिंग कर देते, NiCN4 2- होता, इन सब क्वेश्चंस को दो दो बार जरूर करके देखना, जो बात मान रहा होगा उससे आसानी से क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब NiCN4 2 नेगेटिव है तो इसमें बैक पेयरिंग करेंगे, Ni+2 लिखा 1 2 3 4, अब इसमें Ni2+ आफ्टर बैक पेयरिंग, बैक पेयरिंग है, अब ध्यान रखना क्योंकि sp3 या dsp2 होना है, sp3 या dsp2 होना है, इसलिए एक डी को लग करना है, इसमें सिर्फ एक डी को लग करना है, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो एक डी को लग कर, ये एक डी मैंने लग कर, ये चार पहले भरे जाएंगे, ये चार पहले भरे जाएंगे उसके बाद ये, तो इसलिए इसमें आ जाएगा आंसर, हम देखो 1 2 3
चार पांच थे, लास्ट के दो पेयर हो जाएंगे, वही चार पहले चार भर जाएंगे और आंसर आ गया DSP2। SP3 नहीं आएगा, DSP2 है, ध्यान रखना। यहाँ पे आएगा CN, यहाँ CN आएगा, यहाँ CN आएगा, यहाँ CN, चार जगह आएगा CN, तो ये DSP2 ऑपरेशन आ जाएगी, NiCN42 नेगेटिव में। और इसके लिए अभी CFT का डायग्राम मत बनाना, क्योंकि ये वाला डायग्राम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये मत बना देना, ये सिर्फ किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल नहीं, टेट्राहेड्रल के लिए, ये टेट्राहेड्रल के लिए है। स्क्वायर प्लेनर का डायग्राम अलग है, वो बाद में बताऊंगा तुम्हें। अभी दो डायग्राम तुम्हारे कोर्स में, वो मैंने बता दिए, एक तो CFT का क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और दूसरा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। स्क्वायर प्लेनर है ये, स्क्वायर प्लेनर, तो ये NI CN 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 CN, मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो दिख रहा है तुम्हें, सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, टू नेगेटिव, NiCN42 नेगेटिव, NiCN42 नेगेटिव। एक बार हैंड जेस्चर करेंगे जिसको दो क्वेश्चन समझ आ गए हैं, जल्दी से हैंड जेस्चर कर देंगे जिसको दो क्वेश्चन समझ आ गए हैं। आर्यन, आन्या, बॉबी, आर्यमन, नव्या, मयंक, कनिष्क, मानव, अर्णव, नयंत, युविका, कृष्णा, छवि, देव और हिमांशु, देव, हिमांशु, हिमांशु को समझ आ गया, देव को। देव नहीं समझ आया, देव ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, कोई डाउट है तो पूछ सकता तू। चलो दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए, दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है NiCl4 और PtCl42 नेगेटिव। मैंने NiCl42 नेगेटिव को तुम्हें सॉल्व करना सिखा दिया, किससे, CFT से भी और VBT से भी। अब हमें स्टडी करना है NiCO4। NiCO4 से पहले PtCl42 नेगेटिव देख लो, बार PtCl42 नेगेटिव, आयरन तूने किया है, PtCl42 नेगेटिव, नहीं सर, ये वाला नहीं हो पाया, बाकी सारे हो गए थे। हाँ अच्छा PtCl42 नेगेटिव, एक बार देख लो, बहुत इजी है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो PT जो है जस्ट इसके नीचे है, निकल के नीचे, देखो निकल है, फिर निकल आता है, उसके नीचे पैलेडियम आता है, फिर प्लेटिनम आता है। निकल प्लस टू होता है 3D8, पैलेडियम प्लस टू होता है 4D8, और प्लेटिनम प्लस टू होगा 5D8, 5D8 है, तो ये प्लेटिनम प्लस टू, ये 5D8 है। और अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, कल तुम्हें एक लाइन बताई थी मैंने, 4D और 5D का कोई भी एलिमेंट आएगा, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जरूर, 4D और 5D का एलिमेंट कोई भी आएगा तो कैसा भी लिगेंड हो, हमेशा बैक पेयरिंग होगी, उसका जेड इफेक्टिव जा रहा होता है तो बैक पेयरिंग इसमें होती ही होती है, बैक पेयरिंग होगी ही होगी। तो इसलिए PtCl42 नेगेटिव की क्या हाइब्रिडेशन होगी, DSP2। हाँ DSP2 होगी, ध्यान रखना चीज का, इसीलिए क्वेश्चन आता है कंपैरिजन में NiCl42 नेगेटिव और उसके जस्ट नीचे PtCl42 नेगेटिव, NiCl42 नेगेटिव और उसके जस्ट नीचे आएगा PtCl42 नेगेटिव, गलती मत करना है इसमें। PT में बैक पेयरिंग हो जाएगी जबकि लिगेंड वीक है, क्यों, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है तो ये वीक फील्ड लिगेंड को भी स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो इसलिए इसमें हाइब्रिडेशन DSP2 आएगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा, चार जगह इलेक्ट्रॉन देगा CL और आंसर आ जाएगा DSP2, DSP2, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगी, जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आएगी। और CFT वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि वो DSP2 हाइब्रिडेशन है, इसलिए हमने ये जो डायग्राम बनाया है ये किसके लिए, SP3 के लिए। तो PtCl42 नेगेटिव क्लियर हो गया कि नहीं, PT होता या PD होता, दोनों का सेम आंसर, ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं। यस सर। अब NiCO4 देखेंगे, NiCO4 नेक्स्ट, NiCO4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, NiCO4 देखो, इसमें निकल है जीरो स्टेट में, कोबाल्ट कार्बन मोनोक्साइड पे चार्ज या कार्बन पे चार्ज जीरो होता है, तो निकल जीरो है, यानी आर्गन 4s2 3d8, आर्गन 4s2 3d8, सही ना, आर्गन 4s2 3d8, निकल में आया ये 4 3d, फिर 4s 4p, ये आएगा। अब निकल जीरो स्टेट में है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये 8 आ गए, 4s2। एस के इलेक्ट्रॉन हमेशा डी में जाएंगे, एस के इलेक्ट्रॉन हमेशा डी में जाएंगे, ध्यान रखना चीज का। बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को निकल का न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेता है हमेशा, तो इसलिए लीगेंड आने से एस के इलेक्ट्रॉन हमेशा डी में जाएंगे, तो ये हो जाएगा बैक पेयरिंग कर देगा एक तरह से, ये हमेशा होगी इररिस्पेक्टिव द लीगेंड। ये लिख लीजिए यहाँ पे, और एस पी थ्री, 4s 4p, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ देगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, चार जगह इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि चार है ये, तो इसलिए हाइब्रिडेशन आ गई sp3, ये शेप आ जाएगी CO 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 CO, NiCO4, और मैग्नेटिक मोमेंट आएगी जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और इसका भी अगर डायग्राम ये वाला बन जाएगा, ये डायग्राम बनेगा ना इसका भी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाला ये डायग्राम देखो, उसमें बनेगा जब, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ध्यान में स्ट्रॉन्ग है, तो पहले ही हम क्या करेंगे, बैक पेयरिंग। देखो 1 2 3 4 नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, फिर 5 6 7 8, यहाँ 4s के दो इलेक्ट्रॉन थे, वो अपने आप ही कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, ये दोनों इधर इधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा पूरा 3d10। ये हट जाएगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ऐसा हाइब्रिडेशन आ गई sp3, हाइब्रिडेशन sp3 आ जाएगी, d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन आएगा इसका e4 t26, और नेट जो इसका CFSE होगा इसके इसमें आएगा जीरो। नीचे कितना है, -0.6 × 4, -2.4, और ऊपर 0.4 × 6, 2.4, तो CFSE नेट आ जाएगा जीरो, नेट CFSE क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये NiCO4 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, CuNH3O4 टू पॉजिटिव निकाला किसी ने, CuNH3O4 टू पॉजिटिव, निकाला किसी ने? हाँ मयंक सर, DSP2 क्यों होगा ऐसा सर, ट्रांसफरेंस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, जैसे इसको याद था मयंक को और किसी को याद था, ये इसमें ट्रांसफरेंस होगा, कॉपर 2+ है, आर्गन 3d9, कॉपर 2+ है, थ्री डी नाइन, 4s 4p, यह अब इसमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक भी होता और ऑक्सीजन डोनर होता, वीक भी होता या ऑक्सीजन डोनर होता, मैंने कल तुम्हें बताया था कॉपर प्लस टू के लिए ऑक्सीजन डोनर जो है स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड का काम करते हैं, क्योंकि कॉपर 2+ का जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, दिस और दिस, तो इसलिए अब इसमें स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, तो इसलिए पहले तो चार लिगेंड है, तो हमेशा एक डी को अलग कर दिया करो, 1 2 3 4, वही चार में भरना इलेक्ट्रॉन, 5, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ये 6 7 8 और 9 9। अब लिगेंड क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक भी होता तो उसको कॉपर प्लस टू स्ट्रॉन्ग बना देता। अब ये सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस के पास आने की, सेंट्रल एटम के पास आने की कोशिश करेगा NH3, जब ये पास आने की कोशिश करेगा जो रास्ते में इसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको या तो ये एक्साइट कर देगा या फिर ये उनको बैक पेयर कर देगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है इसको ये एक्साइट कर देगा कहाँ पे, जहाँ पे इसको पहली खाली जगह मिलेगी, ये 4s है, ये 4p है, तो 4p में लास्ट ये इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ चला जाएगा, ये एक्साइट हो गया इधर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, मैं यही दिखा रहा हूँ, कल तुम्हें मैंने बता दिया इसलिए डिटेल नहीं ले रहा हूँ इसे, ये हटाया से, एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन हटेगा यहाँ से और ये चला गया यहाँ, ये यहाँ आ गया और हाइब्रिडेशन आ गई DSP2 हाइब्रिडेशन आ जाएगी, CU NH3 2+ CU DSP2 हाइब्रिडेशन जाएगी, CU NH3O4 2+ CU NH3O4 2+ किसी को डाउट कोई? ये वाला इंपॉर्टेंट केस समझ आ गया कि नहीं? चलो ये तो मैं समझ आ गया फिर। अब मैंने क्वाड्रेंट नंबर 4 वाले केसेस भी ले लिए हैं, अब मैं ले रहा हूँ क्वाड्रेंट नंबर 5 का, मैं इसके केस डिस्कस नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ बता दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन करना है इसका, क्वाड्रेंट नंबर 5 इसका अच्छे लेवल पे आएगा क्वेश्चन, तो इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके क्वेश्चन आएंगे नहीं, इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं,
तो ध्यान देंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन चार होती है इसके अंदर, टोटल हाइब्रिडाइजेशन चार है और शेप की पॉसिबिलिटी दो है, एक तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सबको पता ही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और दूसरा स्क्वायर पिरामिडल, दूसरा स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अब ध्यान देंगे स्क्वायर पिरामिडल कब होगा, स्क्वायर पिरामिडल कब होगा और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कब होगा ये देखना था। जैसे अगर कभी भी क्वाड्रेंट नंबर 5 है, क्लियर, क्वाड्रेंट नंबर 5 है और WFL आ जाए, ध्यान रखना WFL वीक फील्ड लिगेंड आ जाए, पांच कितने आ जाए, पांच, जो पांच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, या फिर आ जाए कार्बन मोनोऑक्साइड ये आ जाए, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एक ही कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, हमेशा टीबीपी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब वो DSP3 होगी SP3D होगी वो डिपेंड करेगा, जैसे ये है तो हमेशा DSP3 होगी क्योंकि इसमें बैक पेयरिंग हो जाएगी, और अगर ये है तो SP3D होगी क्योंकि बैक पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन शेप क्या आएगी, शेप क्या आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और कभी भी SFL आ जाए, एक लाइन याद रखो, SFL आया, अगर SFL आया एक्सेप्ट CO, सही ना, SFL आया एक्सेप्ट CO, ये याद रख लो, बाकी दूसरा अपना बन जाएगा, हमेशा ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ये शेप बनानी है तुम्हें, स्क्वायर पिरामिडल, ये सेंट्रल एटम, यहां सेंट्रल एटम, और ये सारे एंगल 90 के होते हैं, इसमें सारे एंगल 90, लिगेंड 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 लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एक्सेप्ट CO, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एक्सेप्ट CO, और ये शेप तो तुम्हें पता होगी, ये शेप तो TCl5 वाली शेप तो को पता है, MLLLLL TCl5 वाली शेप, किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। और इसके अंदर भी ध्यान रखना वो होता है ट्रांसफेरेंस, जब D9 वाला केस आता है, मैंने कल डिस्कस कर लिया, ये D9 आएगा तो इसमें भी ट्रांसफेरेंस होगा, D9 आया तो इसमें भी ट्रांसफेरेंस होगा। एग्जांपल अगर तुम्हें चाहिए तो FeCO5 ट्राई कर सकते हो तुम, FeCO5 ये ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा और दूसरे एग्जाम्पल देंगे तो CuCN5, इसमें लिया मैंने CuCN5 में 3 नेगेटिव लेंगे तो +2 चार्ज आ जाएगा, 3 नेगेटिव ले लो, या NiCN5, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, NiCN5 3 नेगेटिव, ये डिस्कस कर सकते हैं एग्जांपल, जिसमें शेप आएगी स्क्वायर पिरामिडल। FeCO5 में क्या होगा, FeCO5 एक बार ट्राई करो तुम लोग, FeCO5, NiCN5, 3 negative, CuCN5, 3 negative, एक बार ट्राई कर लो, अच्छा भी
चलो किसी को आंसर बोलना है इसका? बॉबी किया है क्वेश्चन, आर्यन और कोई बच्चा जिसने किया क्वेश्चन, मयंक, नव्या, नित्या, कनेश, पहले का केस में देखो Fe CO5 है, Fe की स्टेट 0 आएगी, आर्गन 4H2 3D6 आएगा, आयरन 0 में है, इलेक्ट्रॉन 3D के इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s के इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे d में, ये 4p बैक पेयरिंग कर देंगे पूरा, क्योंकि लिगेंड बहुत स्ट्रांग है, लिगेंड स्ट्रांग है, बैक पेयरिंग करेंगे, आयरन 0 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आ गए इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर आ गया DSP3। यहाँ आएगा CO, यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ CO, DSP3 आएगा और शेप आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड। बताया था मैंने तुम्हें भी, अगर वीक फील्ड लिगेंड है या CO है तो हमेशा TBB ज्योमेट्री होगी, मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट 0। कोई डाउट तो नहीं किसी को उसमें? पहला केस क्लियर हो गया? आर्यन? यस सर, हो गए। अच्छा दूसरे जो केस है NiCN5 3- कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या आंसर आएंगे इनके, इनके आंसर क्या आएंगे? देखो आंसर DSP3 तो आना ही है, DSP3 आना है, और ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? स्क्वायर पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर पिरामिडल, अभी बताया पीछे मैंने, देख लेंगे एक बार, NiCN5-, Ni पे चार्ज आया 2+, आर्गन 3D8 है ये, मैं डायरेक्ट बैक पेयरिंग कर रहा हूँ, Ni2+, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे DSP3, ये पांच जगह CN- इलेक्ट्रॉन देगा, ये पांच जगह CN- इलेक्ट्रॉन देगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगी 0, शेप ही आ गई, Ni पहले स्क्वायर बना देंगे, CN 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 CN, और यहाँ पे आ जाएगा एक CN ऊपर, ये स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर हो गया कि नहीं है? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आ जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल, सही ना, स्क्वायर पिरामिडल। अब अगला है CuCN5 3-, CuCN5 3-, तो कॉपर पे स्टेट आएगी यहाँ पे +2, कॉपर पे स्टेट आएगी +2, यानी ये आर्गन 3D9 है, ये आर्गन 3D9 है, तो कॉपर +2 3D9, 3D9 3D4S 4P, 4D की जरूरत पड़ेगी इसमें, 4D 3D 4S 4P 4D। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें आ गया पूरा 8 और 1 9, 9 आ गए इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें साइनाइड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले केस बताया था, कभी भी 3D9 होगा किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में 3D9 होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको हटाएगा यहाँ से और उसको पहुंचा देगा जहां पे पहली खाली जगह मिलेगी, वो मिलेगी 4D में, 4D में पहुंचा देगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा से, एक्साइट हो जाएगा, ट्रांसफरेंस कहते हैं इसको, ये 4D में चला जाएगा, आंसर यहाँ पे 2, 3, 4, 5। तो ये केस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस में आएंगे। तो DSP3 आएगा, शेप वही होगी, ये वाली सेम शेप होगी, यहाँ पे कॉपर आ जाएगा, बस यहाँ बीच में कॉपर आ जाएगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट होगी √3, मैग्नेटिक मूवमेंट √3 PM। एक बार अब हैंड से करेंगे, जिसको ये सारी ज्योमेट्री समझ आ गई है ढंग से, जिसको ज्योमेट्री समझ आ गई सारी है। इनको देखो मैंने जितने क्वेश्चन कराए ना, मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, घर पे इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना दोबारा दोबारा,
नहीं तो फिर दिक्कत रहेगी, नहीं कर पाओगे नहीं तो, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना इनको दो दो बार जरूर। ये बेसिक क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, मैंने मेरे पास नोट्स दे रखे हैं, नोट्स में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन दे रखे हैं, टेबल बना रखा है उसमें देखना है, उन क्वेश्चन को कर लेना प्रैक्टिस इसके अलावा। अच्छा अब एक चीज और है इसके अंदर, ये पांचों थ्री ले लिया, थ्री नहीं फोर ले लिया, फाइव ले लिया और सिक्स ले लिया, फोर फाइव सिक्स में और कोई डिटेल तो नहीं है, ट्रांसफरेंस बता दिया, एक्सेप्शन केस बता दिए, एक्सेप्शन विविटी हो गया है। चलो अब यही यही इतना ही करना है तुम्हें इसके अंदर से ना, इतना करना है, क्वेश्चन को दो दो बार प्रैक्टिस कर लेना और जो नोट्स में दे रखे क्वेश्चन उनको जरूर कर लेना एक बार, अभी ना रीजॉइन कर लेना, थोड़ा सा सीएफटी के बारे में बताऊंगा मैं, सही है, एक बार रीजॉइन कर लेंगे।